अरे स्टैंड कहाँ गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमिक्स लाइव पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज बेंडिंग नमस्कार स्ट्रेस। दोस्तों, स्वागत है आपका एमिक्स लाइव पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारा तो भाई आप लोग पहले से ही बातें वो करने लग जाते हो यहाँ पर। वाह भाई वाह सुल्तान। ठीक है, कर लो, एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो तुम भी। ठीक है, मेरी जगह एक सब्जेक्ट तुम प्रिपेयर कर लो। बिल्कुल बढ़िया तरीके से तुमने शुरुआत करी है, ठीक है, मुझे बड़ा बढ़िया लगा। ठीक है, बस एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ बस बात कर रही। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, हाँ आंटी, बढ़िया से हो गया शादी? चलो बढ़िया भाई। ठीक है, तुम ही लोग यार आगे क्या कहते हैं, देखो मेजर सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, बट जो सब्जेक्ट हैं आप लोग एक एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज कर लो, आप लोग पढ़ाओ। बिल्कुल यार, आप लोग का बिल्कुल हमेशा स्वागत है जब भी आपका मन करे। बिकॉज क्या चीज है ना, मैं बहुत पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना मुझे आता है मैं आप लोग को डिलीवर कर दूं, और उसके बाद आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाओ यार। हमेशा आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। जो भी मेरा स्टूडेंट है ना, कभी भी आपको टीचिंग लाइन में आना है, कभी भी आपको पढ़ाना है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर फील फ्री, कभी भी आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट बहुत जिम्मेदारी होती है जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ाना होता है। ठीक है, हमेशा अपने कंटेंट को बेस्ट रखना होता है, ताकि जब, क्योंकि यार देखो ना, जो भी स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ता है, आपने इतना अभी तक आप देखो ऑलमोस्ट आपने 30-40 घंटा अपनी लाइफ का मुझे दिया है, और इसमें हमने सोम की बहुत ही प्रोडक्टिव चीजें पढ़ी हैं। तो हमेशा कभी भी आप एक टीचिंग लाइन में आएंगे तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके, मतलब आपके जो भी स्टूडेंट आपसे पढ़ेगा उसको बहुत उम्मीद होगी आपसे। ठीक है, तो आपको अपना कंटेंट टू दी बेस्ट रखना है, इतने बढ़िया तरीके में और बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ समझाना है, ताकि स्टूडेंट को एक बार में ही समझ में आ जाए और उससे क्वेश्चन बन जाए और उसका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। तो कभी भी आपको टीचिंग लाइन में आना होगा, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आइए, डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। ठीक है, सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन। और एक और चीज यार, क्या कहते हैं, एक चीज अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग स्कोर कर रहे हो यार एग्जामिनेशन में, जैसे जो भी मैं आप लोग को टेस्ट दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा, मुझे क्या कहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या पूछूं। क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा सिंपल है क्या जो भी मैं आप लोग को दे रहा हूं? या तो आप लोग का लेवल सच में बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, या इसका मतलब ये है कि आप लोग सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं फुल लेंथ टेस्ट आपके लूंगा ना, तो क्वेश्चंस का लेवल और भी ज्यादा टफ रखूं, ताकि इतने मार्क्स आप लोग ना लेके आओ यार टेस्ट में। ठीक है, ये आप लोग यार क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे एक सेकेंड थॉट प्रोसेस आ गया है कि इतना ज्यादा, इतना अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं, तो मुझे अपने क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। चलो बढ़िया, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज बेंडिंग स्ट्रेस। आप हेडिंग डालिए। ठीक है, चलो बढ़िया, इसी लेवल के क्वेश्चन रखूंगा, बट हाँ थोड़े से और इंप्रोवाइज करूंगा क्वेश्चंस में, ताकि नूर आलम स्टूडेंट जो हैं वो 150 में से फुल मार्क्स लेके आया है यार वो,
तो अगली बार से थोड़ा सा पेपर को मैं थोड़ा अच्छा सेट करूंगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलिए हेडिंग डालिए, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस हेडिंग डालिए आप लोग, अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच भाई एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए हेडिंग डालिए, बेंडिंग स्ट्रेस, अवर न्यू चैप्टर, बेंडिंग स्ट्रेस, ये हेडिंग डालिए। तो जब हम बीम बेंड करेंगे उसमें क्या क्या स्ट्रेसेस आएंगे वो अब हमें देखना है, ठीक है। सो हम जैसे जिस सिमिलैरिटी में पढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल उसी सिमिलैरिटी में बनेंगे। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेक्चर जो होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, उसमें कॉन्टेंट थोड़ा सा लाइट होता है। सेकेंड लेक्चर जो हमारा होता है, सेकेंड लेक्चर हमारा मॉडरेट होता है। थर्ड लेक्चर में जो हमारा होता है वो टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट होता है और फिर डिस्कशन होता है। फोर्थ लेक्चर जो हमारा है वो उसका डिस्कशन है, वो उसका डिस्कशन है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा लाइट होता है, सेकेंड लेक्चर आपका मॉडरेट होता है, थर्ड लेक्चर आपका, थर्ड लेक्चर में टेस्ट होता है और फोर्थ लेक्चर में डिस्कशन होता है। सो बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सही पैटर्न है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपको ये सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बेंडिंग स्ट्रेस हम देखते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, अब आप बीम को बेंड कर रहे हैं, ठीक है, बीम को बेंड कर रहे हैं, यू कैन बेंड इट एनी वेज, ठीक है, और क्या स्ट्रेस डेवलप होंगे ये हमें देखना है। सो ये चैप्टर क्या बताता है, इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रॉइंग द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, व्हाई वी आर ड्रॉइंग द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यू विल गेट टू नो इन दिस चैप्टर, यू विल गेट टू नो इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन द अजम्पशंस दैट आर इन्वॉल्वड इन बेंडिंग स्ट्रेसेस, अजम्पशंस, assumptions, what are the assumptions that is involved in bending stresses, assumptions लिखते हैं। so देखिए जो भी assumptions हैं ये बहुत help करेंगे, क्योंकि ये सारे assumptions लेके मैं derivation करूंगा, ठीक है। तो कल के lecture में जब मैं आपको derivation बताऊंगा so that will be, ये बहुत use आएगा, assumptions बहुत use आएगा, ठीक है। so the first assumption is material is isotropic and homogeneous, material is homogeneous, isotropic and homogeneous, material is isotropic and homogeneous, so this is material is isotropic and homogeneous। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था what is isotropic material, मतलब property is same in all the direction, and what is homogeneous, हम ऐसे material पे stresses निकालेंगे जो isotropic भी होगा एंड होमोजीनियस भी हो गया। एंड वॉट इज होमोजीनियस, एट अ सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट द प्रॉपर्टीज आर सेम, एट डिफरेंट पॉइंट बट इन सेम डायरेक्शन द प्रॉपर्टीज आर सेम, दिस इज मटीरियल इज आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट अजम्पशन इज द बीम इज इनिशियली straight and unstressed, the beam is initially straight and unstressed, second assumption is beam आपकी जो होगी straight होगी, it can be circular, it can be rectangular in cross section, for example जैसे मैं अगर एक beam लूँ, so that should be straight, उसमें कोई भी curvature नहीं होना चाहिए, initially वो straight होनी चाहिए, जैसे ये है, सो दिस इज अ स्ट्रेट रेक्टेंगुलर बीम, आप अगर कोई क्रॉस सेक्शन काटेंगे, आप यहां पर कोई भी क्रॉस सेक्शन आप काट लीजिए, दैट विल बी, ये कोई भी क्रॉस सेक्शन काटेंगे, ठीक है। सो सिमिलर क्रॉस सेक्शन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट रहेगी, मतलब ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की है, सो बीम कैन बी ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बट इट शुड बी स्ट्रेट एंड अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड मतलब पहले से कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, पहले से कोई भी लोड नहीं होना चाहिए, अनस्ट्रेस्ड का मतलब नो लोड बिफोर दी, ठीक है, कोई भी पहले से प्री लोडेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो बीम शुड बी स्ट्रेट, अनस्ट्रेस्ड, आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस। नेक्स्ट अजम्पशन इज जो बीम का मटीरियल होगा उसका जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द बीम मटीरियल, ठीक है,
बीम मटेरियल इज सेम इन यंग्स मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इन टेंशन एंड कंप्रेशन। एंड व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस पहला लेक्चर है, देखो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, पहले चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था। नाउ वी आर अप टू सिक्स्थ चैप्टर, छठे चैप्टर में पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 60% सोम कवर कर चुके हैं। व्हाट इज, जल्दी बताइए मुझे व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? अब भाई मैंने पूछा यंग्स मॉडुलस तो रिप्लाई में ई लिख रहा है, अबे रे कमाल है भाई वाह रे वाह कलाकार देखिए जब भी कोई आपसे लेमेंट लैंग्वेज में पूछेगा ना, वेरी गुड शांतनु, वेरी गुड, टू रेजिस्ट डिफॉर, नहीं, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कैन बी ट्विस्टिंग ऑल्सो, ठीक है ठीक है, डिफॉर्मेशन कैन बी ट्विस्टिंग ऑल्सो, इसका मतलब क्या हो गया, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन, एंड एक्सियल डिफॉर्मेशन कैन बी टेंसाइल डिफॉर्मेशन एंड कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन, यस और नो? डिफॉर्मेशन कैन बी एक्सियल टेंशन, एक्सियल डिफॉर्म कंप्रेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, द मटीरियल, जो भी आप मटीरियल लेंगे, जो भी मटीरियल आप लेंगे, जो भी मटेरियल आप लेंगे, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा टेंशन के डिफॉर्मेशन में और कंप्रेशन के डिफॉर्मेशन में सेम रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? व्हाट इज द थर्ड अजम्पशन? द यंग्स मॉडुलस ऑफ द बीम मटेरियल शुड बी सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन। इसका मतलब क्या हो गया, इफ यू आर स्ट्रेचिंग द बीम इन द टेंशन, इफ यू आर स्ट्रेचिंग द बीम इन द टेंशन, इट विल रेजिस्ट द सेम रेजिस्टेंस व्हेन यू आर कंप्रेसिंग द बीम। You are, इसका मतलब क्या हो गया, the resistance of the beam in tension and compression both are same, मतलब क्या हो गया, the resistance to axial deformation in compression and in tension will be the same, will be the same। बात समझ में आया आप लोग को? बात समझ में आया? And in terms of stress strain curve, in terms of stress strain curve, in terms of stress strain curve, look at it very carefully, look at it। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, इट विल बी दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, सेम स्लोप ऑन द टेंशन टेस्ट एंड सेम स्लोप ऑन द कंप्रेशन टेस्ट, ऑन द कंप्रेशन टेस्ट। समझ में आ गया सबको? सो अब टिल नाउ वी हैव टेकन थ्री अजम्पशन, मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस, ठीक है, द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड अनस्ट्रेट, देयर इज नो लोडिंग, ठीक है। थर्ड इज यंग्स मॉडुलस ऑफ द बीम मटेरियल इज सेम इन कंप्रेशन एंड इन टेंशन। Now the next assumption is loading is within elastic limit. 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 Loading is within. इसका मतलब क्या हो गया? We will not cross the elastic limit or the proportionality limit. Since elastic limit and proportional limits are बहुत close होते हैं. They are very close to each other, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? If you are loading the beam within the elastic limit, इसका मतलब we can apply the Hooke's law. We can apply the Hooke's law. Yes or no? If you are loading within the elastic limit or proportionality limit, ठीक है? Since both are very close to each other, we can apply the Hooke's law. इसका मतलब क्या हो गया? Hooke's law is applicable. Hooke's law is applicable. Hooke's law is applicable. Applicable. Yes or no? Yes or no? जल्दी बताइए मुझे, ये आपको समझ में आया? चलो बढ़िया, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। नाउ द नेक्स्ट अजम्पशन, सो अब तक कितने अजम्पशन ले लिए हमने? चार अजम्पशन ले लिए, आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस, स्ट्रेट, अनस्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन एंड टेंशन विल बी सेम, लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट, एंड द नेक्स्ट अजम्पशन इज प्लेन सेक्शन ऑफ बीम
प्लेन सेक्शन ऑफ बीम रिमेन्स प्लेन आफ्टर लोडिंग ठीक है। और देख रहे हो ये पूरा चैप्टर आरसीसी और स्टील में काम आएगा, इसलिए कल की जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन सेक्शन बिफोर द बेंडिंग रिमेन्स आफ्टर द प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, ठीक है। जो आपका सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेक्शन, लेट सपोज दिस इज द सेक्शन, दिस इज द सेक्शन, इट इज प्लेन, ये देखिए इट इज प्लेन, एंड आफ्टर द बेंडिंग इन सारे अजम्पशन का सिग्निफिकेंस आपको कल की क्लास में समझ आएगा, व्हाई वी हैव टेकन दिस अजम्पशन। इफ यू बेंड दिस बीम, दिस सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर द बेंडिंग, इट विल रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। लेट अस सपोज आफ्टर द बेंडिंग इट विल नथिंग बट लेट अस सपोज दिस पॉइंट विल रीच ओवर हेयर, मतलब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, देखो यहां पर इससे तो समझ में नहीं आएगा, बट मैं अलग से बना देता हूं यहां पर। सो आफ्टर द बेंडिंग ऑल्सो इट विल रिमेन प्लेन, मतलब ऑल द पॉइंट्स विल लाई इन अ सिंगल प्लेन। देखिए प्लेन सेक्शन का मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, ये डॉटेड पॉइंट आपको दिख रहे हैं, दे आर इन द सेम प्लेन। आफ्टर द बेंडिंग ऑल्सो दे विल बी इन द सेम प्लेन। समझ में आया आपको? After the bending also they will be in the same plane. ऐसा नहीं होगा दूसरे plane पे चले जाएंगे, एक ही plane पे रहेंगे ये। After the bending these point will lie in the same plane. समझ में आ गया सबको? ठीक है, so this implies that after bending there is no change in the shape. ठीक है, अगर ये rectangular है cross section में, so after the bending also this will be in rectangular. There will be no change after loading. ठीक है, no change in shape. Written everyone? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो वी हैव रिटन द अजम्पशन, मटेरियल आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, इनिशियली अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए, स्ट्रेट बीम होनी चाहिए, यंग्स मॉडुलस कंप्रेशन में टेंशन में सेम होना चाहिए, लोडिंग इलास्टिक लिमिट तक होनी चाहिए, प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। ठीक है, नाउ राइट डाउन द हेडिंग दैट इज प्योर बेंडिंग। ठीक है, प्योर बेंडिंग। देखो प्योर बेंडिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। प्योर बेंडिंग, लेट अस सपोज दिस इज अ बीम, What do you mean by pure bending? We'll see this. What is pure bending? देखो ये बीम है आपकी, ठीक है, एंड लेट अस सपोज ये सेंटर लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, ये आपका, यहां से मैंने क्या किया, इस बीम को काट दिया, आई हैव टेकन अ नाइफ एंड आई हैव कट इट, ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक नाइफ लिया और इसे यहां से काट दिया, I have cut this beam into two pieces. I have taken the knife and I have cut this beam into two pieces. ठीक है, let us suppose the beam
द विड्थ ऑफ द बीम इज बी. नाउ यू हैव डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, b by 2 के दो पीसेस हो जाएंगे, b by 2 के दो पीसेस हो जाएंगे. अब देखो बहुत ध्यान से, b by 2 के दो पीसेस हम यहां पर दिखा देते हैं. वन पीस इज दिस, ये एक पीस है, और दूसरा पीस यहां दिखा देता हूं. ये दो पीस हो गए, ठीक है. अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या चीज हुआ कि जब आप इसे काटोगे तो ये फेस एक्सपोज्ड हो जाएगा, दिस फेस विल बी एक्सपोज्ड, और ये वाला जो पीछे वाला फेस है दिस विल आल्सो बी एक्सपोज्ड. यस और नो, दिस विल आल्सो बी एक्सपोज्ड. नाउ द विड्थ ऑफ द बीम विल बी, द विड्थ ऑफ द बीम विल बी b/2 एंड b/2. दिस इज नाउ b/2, दिस इज आल्सो नाउ बाय b/2. यस और नो, होगा कि नहीं होगा? यस और नो, जल्दी बताइए मुझे. होगा ना? सो फ्रॉम हेयर वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्योर बेंडिंग एंड टॉर्जन. फ्रॉम हेयर वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्योर बेंडिंग एंड टॉर्जन. लो इस वाले पीस को आप यहां पर ले लीजिए, इस वाले पीस को मैंने यहां पर लिया. अब देखो बहुत ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है. ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है. दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है. और इसका जो प्लेन होता है, दिस प्लेन इज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. लेट अस सपोज इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन इफ द टू फोर्सेस आर लाइक दिस, दो फोर्सेस हैं एंड दे आर लाइक दिस. देखिए बहुत ध्यान से, two forces are like this, let us suppose two forces are like this, two forces are like this. अब ये देखिए, अब ये वाला जो आपके फोर्स, ये जो फोर्सेज हैं, they will form a couple, they will form a couple, this clockwise couple or anti-clockwise couple, जल्दी बताइए मुझे. these two forces will form a couple, that is clockwise couple, clockwise couple, clockwise couple, ठीक है. and these two forces these two forces also form a couple, these two forces also form a couple, that is anti-clockwise couple, anti-clockwise couple, anti-clockwise couple, ठीक है, anti-clockwise couple. अगर ये दोनों कपल एक ही longitudinal plane में होते, then it is pure bending. लिखा देता हूं मैं, for pure bending both clockwise and anti-clockwise couple should lie in the longitudinal plane, longitudinal plane. जो आपने ये काटा है, ये वाला जो प्लेन है ना, ये प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. इफ बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कपल एक्ट्स ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, देन इट इज प्योर बेंडिंग, देन इट इज प्योर बेंडिंग. ठीक है, इसे फिर से समझा देता हूं मैं, इसे फिर से समझा देता हूं. मैं एक बीम लेके आता हूं, रुको, मैं एक मिनट रुकिए, बस मैं एक थर्मोकॉल की शीट लेके आता हूं, उससे समझाता हूं, बस गिव मी अ मोमेंट. ठीक है, तब तक आप ये चीज लिख लीजिए, फॉर प्योर बेंडिंग, ये लिख लीजिए, फॉर प्योर बेंडिंग, फॉर प्योर बेंडिंग, ठीक है, बोथ क्लॉकवाइज, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कपल शुड बी इन प्लेन ऑफ, इन प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल शुड बी इन दी, शुड बी इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, या इन प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ऐसे ही बोल सकते हैं. In plane of longitude, just give me a moment, मैं
थर्मोकॉल की शीट लेके आता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। चलो गाइस देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, ये एक बीम थी और इसे मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया, हाफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, हाफ से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, मैंने इसे कट किया, आई हैव कट दिस बीम। और ये देखे, ठीक है, ये देखो पेन कहाँ चला गया मेरा, ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, तो ये मैंने कट किया, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ठीक है। अब देखो यहां पर कपल कैसे बन रहे हैं, ठीक है, ये जो कपल बन रहे हैं इधर साइड जो कपल है वो बीम को ऐसे रोटेट कर रहा है, और यहां वाला कपल ऐसे, मतलब दिस बीम इज ट्राइंग टू रोटेट इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन द प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इन द प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। और इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं काटूं, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अबाउट मोमेंट अगर आता है तो उसे हम टॉर्जन बोलते हैं, इसे हम टॉर्जन बोलते हैं। देखो मेरे पास बीम सही से नहीं आ पाई, ठीक है, ठीक है, अभी मिल नहीं रही है, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं ये और फिर से अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। सो देखो बहुत ध्यान से, ये दोनों कपल क्या करेंगे यहां पर, ये दोनों कपल क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। सो आई एम जस्टिफाइंग कि यार ये चीजें समझ में आ जाए आपको, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं। सो इन द प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, इन द प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ये जो आपके कपल आए हैं, ये जो कपल आए हैं, ठीक है, ये देखिए, यहां पर कपल कैसा आया, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दे will produce a clockwise and anti-clockwise movement, ठीक है। So in the plane of longitudinal plane, अगर ऐसे कपल आते हैं, in the plane of longitudinal plane, it is pure bending, it is pure bending, ठीक है। और अगर, और देखिए, और torsion में क्या होता है, torsion में क्या होता है, ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन के प्लेन में, क्रॉस सेक्शन के प्लेन में, क्रॉस सेक्शन के प्लेन में अगर मोमेंट आएंगे, क्रॉस सेक्शन के प्लेन में अगर मोमेंट आएंगे, दैट इज टॉर्जन, दैट इज टॉर्जन। तो प्योर बेंडिंग और टॉर्जन में ये डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, आई टेक अप दिस बीम, आई टेक अप दिस बीम, ठीक है। सो इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपका मोमेंट आता है, दैट इज टॉर्जन। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को, डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर टॉर्जन, मतलब प्योर बेंडिंग एंड टॉर्जन। सो यू राइट डाउन अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, ये आप लिख लीजिए। अ मेंबर इज सेड टू बी, मेंबर इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग, in pure bending when it is subjected to, when it is subjected to
व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट कपल्स इन द प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इन प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, इन द प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लिख लीजिए. इन प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इन प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर आपके दो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट कपल आते हैं दैट इज प्योर बेंडिंग. चलो इसको और थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं. देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से. What is the necessary, sufficient, necessary condition? एक और necessary condition क्या है? पहली necessary condition में क्या कर दी कि आपका दोनों equal and opposite couple आने चाहिए in longitudinal plane. दूसरा necessary condition क्या है? A member is said to be in pure bending. Member is said to be in pure bending when there is no shear force. When there is no shear force. It means that for pure bending, shear force should be equal to zero. For example, this is a cantilever beam. And it is subjected to, this cantilever beam is subjected to a anti-clockwise moment M. तो देखो बहुत ध्यान से. इस बीम पे क्या होगा, इस बीम का अगर मैं रिएक्शन डायग्राम बनाता हूं तो यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट एम, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट एम आएगा कि नहीं आएगा. व्हाट इज द शियर फोर्स डायग्राम? एसएफडी विल बी अ स्ट्रेट लाइन. देयर इज नो शियर फोर्स इन द बीम. सो इफ बीम हैव नो शियर मोमेंट, देयर इज नो शियर फोर्स एंड देयर इज इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट ऑन बोथ द साइड, सो दिस बीम इज इन प्योर शियर, यस और नो? दिस बीम इज इन प्योर शियर, यस और नो? This complete beam is in pure shear. जल्दी बताओ मुझे, yes or no? So this complete beam is under pure shear. Complete beam under pure shear. Getting my point? Yes or no? Yes, complete beam under pure shear. देखिए, complete beam भी हो सकती है, a part of the beam can also be in under pure shear. ठीक है, note करके लिख सकते हैं, a part of beam can also be under pure bending. Complete beam under pure bending. A part of beam can also be under pure bending. Pure bending. देखिए इसे प्रूव करते हैं. How can a part of the beam can also be under pure bending? Yes, pure bending. I'm so sorry यार. ये लिख लीजिएगा. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने इतना. ठीक है, अ पार्ट ऑफ द बीम कैन ऑल्सो बी अंडर प्योर बेंडिंग. देखिए बहुत ध्यान से देखिए. दिस इज अ बीम. ये सिंपली सपोर्टेड बीम है. ये रिएक्शंस हैं. दीज आर दी रिएक्शंस. ठीक है, इट इज पी, ये पी है, ये भी पी है, ये भी पी है. ठीक है, this is A, this is L, this is A. So we can write down the shear force diagram.
शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं इसका। शियर फोर्स डायग्राम तो हम बहुत जल्दी बना लेंगे, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम विल राइज अप, शियर फोर्स डायग्राम विल राइज अप, शियर फोर्स डायग्राम विल राइज अप बाई हाउ मच अमाउंट, बाई अमाउंट ऑफ पी, बाई अमाउंट ऑफ पी, एंड फ्रॉम दिस डाउनवर्ड पी फोर्स इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो हेयर, नो शियर फोर्स हेयर, डाउनवर्ड फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम विल शिफ्ट डाउन फ्रॉम हेयर दिस एंड अपवर्ड शेप फॉर दिस इज पी, दिस इज पी, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी। सो अंडर द पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द, ठीक है, द पोर्शन ऑफ द बीम दैट इज बी सी पार्ट, द पोर्शन ऑफ द बीम दैट इज पार्ट बी सी हैव नो शियर फोर्स, हैव नो शियर फोर्स, यस और नो? तो शियर फोर्स इन पार्ट बी सी इज जीरो, इट मीन दैट दिस दिस पार्ट ऑफ द बीम इज ऑल्सो अंडर प्योर शियर, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग। सो पार्ट ऑफ बीम, पार्ट ऑफ बीम दैट इज पार्ट बी सी इज अंडर प्योर बेंडिंग, इज अंडर प्योर बेंडिंग, इज अंडर प्योर बेंडिंग, इज अंडर प्योर बेंडिंग, इज अंडर प्योर बेंडिंग। Is under pure bending, yes or no? जल्दी बताइए मुझे, समझ में आया सबको? Everyone understood this? देखो एक आपको क्या लिखना है यहां पर, एक golden word लिखना है, golden point। मतलब क्या चीज है ये, महाभारत में आपने देखा है ना, अर्जुन, मतलब क्या है महाभारत में क्या होता है, अर्जुन अपने जो मेन शस्त्र होते हैं वो रखता है, बचा के रखता है, ठीक है ना? ये आपका गोल्डन गोल्डन पॉइंट है। क्या पॉइंट है? जिसे बोलते हैं ना डायमंड वाला पॉइंट, हीरा है, बिल्कुल हीरा, ठीक है, डायमंड। क्या चीज है? शियर फोर्स इज जीरो, शियर फोर्स इज जीरो इज नेसेसरी कंडीशन, is necessary condition, is necessary condition, is a necessary condition, ठीक है, it is a necessary condition, but it is not sufficient 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 condition, it is not a not sufficient condition। मतलब क्या हो गया? देखिए देखिए I'll बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट है, 1 करोड़ रुपए का पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ऑफ 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। देखो क्या चीज है, लेट अस सपोज दिस इज अ ग्राउंड, दिस इज अ ग्राउंड एंड बीम इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, अ बीम इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, दिस बीम इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, द शेयर फोर्स ऑन द बीम इज, इट इज अ वेटलेस बीम, ठीक है, दिस इज अ वेटलेस बीम and it is lying on the ground, so shear force on the beam is zero, does it implies that this beam in pure bending, does this implies that it is pure bending, no, this beam is not under pure bending, for pure bending both the conditions should satisfy, in the longitudinal plane equal and opposite couple will act, also shear force should be zero in the beam, shear force should be zero in the beam, so both the condition when satisfied the beam is under pure bending, then the beam is under pure bending, then the beam is under pure bending, so shear force is zero alone does not satisfy that the beam is under pure bending, for beam under pure bending a equal and opposite couple should lie in the longitudinal plane, getting my point everyone, जल्दी बताइए मुझे, is everyone, समझ में आ रहा है सबको? There should be bending in the plane. There should be bending. So we'll take up this beam again. ठीक है, ये beam हम फिर से लेते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए. So this is the beam. ठीक है, so this is upward force. This is also upward force. ठीक है, so this is a downward force P. This is a downward force P. This is a downward force. This length is A. This length is L. This length is A. देखिए बहुत ध्यान से, P and this is P.
दिस इज पे, दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज ए. सो शियर फोर्स डायग्राम इज, शियर फोर्स डायग्राम इज दिस, पी तो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम. This is the SFD. And how will you draw the BMD? Bending moment diagram. How will you draw the bending moment diagram? Look here. Look here. ठीक है? I'll take up a section here. From left, this moment will be P into A. Positive. Positive P into A. And from here, this will give you positive moment. Positive moment. P into A. P into A. And at this section, let us suppose at this section, this is XX. This is XX. ठीक है? So at this xx, how will you find out the bending moment? This is P and this is this P. The total distance is x. ठीक है, this distance is a and this distance is x minus a. तो P into x positive minus का P into x minus a. So bending moment at xx is equals to px minus px plus pa. तो it is constant pa. In this section the bending moment is constant. तो how will you draw the bending moment diagram? Bending moment diagram will be like this. From here 0 to PA. From here 0 to PA. And here constant PA. Constant PA. This is the bending moment diagram. So in the part BC. In this part. There is no shear force. But yes, there is bending moment. There is bending moment. So it means that part BC of the beam is under pure bending. Part BC of the beam is under pure bending. Why? Because there is moment, there is shear force zero in that part. So moment hai, shear force nahi hai. It means that this part is under pure bending. Ab samajh mein aa gaya sari cheeze? So part of the beam can also be under pure bending. Understood everyone? ठीक है, सो अलोन शियर फोर्स इज जीरो इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द प्योर बेंडिंग. इट इज द नेसेसरी कंडीशन. शियर फोर्स इज जीरो इज द नेसेसरी कंडीशन, बट इट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन टू सेटिस्फाई दैट द बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग. Getting my point, everyone? चलो बढ़िया. Now I'll take up the next part. ठीक है, अब आप मुझे बताइए, is this beam under pure bending? Yes or no? जल्दी मुझे comment बताइए, is this beam under pure bending? Yes or no? जल्दी बताइए मुझे. Is this beam under pure bending? Yes or no? जल्दी बताइए मुझे. No, very good, very good. So alone shear force is zero is not the sufficient condition. Alone shear force is zero is not the sufficient condition. Very good. No, very good. Because there is no bending moment. चलो बढ़िया. We'll take up a beam. ठीक है. Now we'll take up a beam. ठीक है. Now
इन द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन अ इक्वल एंड अपोजिट कपल, अ इक्वल एंड अपोजिट कपल एक्ट्स ऑन द बीम. बिकॉज ऑफ दिस इक्वल एंड अपोजिट कपल, ठीक है, वॉट इज द बिहेवियर, वॉट इज द बेंडिंग बिहेवियर ऑफ द बीम, इट विल बेंड लाइक दिस, इट विल बेंड लाइक दिस. It will bend like this. Getting my point? So because of this, the behavior is this. So happy face, yes. Smiley face, smiley face. ठीक है? अब देखो बहुत ध्यान से. In the top member, ये जितने भी fiber हैं top में, अगर दो fiber मैं लूँ, ये fiber number one, fiber number two, after the loading, they will come close to each other. They will come close to each other. And अगर मैं bottom में दो fiber लूँ, they are far away from each other. They are far away from each other. So it means that in the top face, when there is a sagging bending moment, there will be compression on the top face, and tension on the bottom face, in sagging bending moment, in the sagging bending moment. So top fibers are in compression, bottom fibers are in tension. Yes or no? So look here very carefully. यहां पर देखिए. So ये आपके देखो, ये एक एक्सिस है. इसके ऊपर के फाइबर जितने हैं सब ये कंप्रेशन में है, ठीक है. इसके नीचे के जितने फाइबर हैं ये सारे किस में है, टेंशन में है. दीज आर इन टेंशन, सो देयर माइट बी सम फाइबर्स, ऐसे कुछ फाइबर हो सकते हैं जो ना ही कंप्रेशन फोर्स करें ना ही टेंशन फेस करें. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फाइबर्स हैं जो इस पे हैं न्यूट्रल एक्सिस पे जो फाइबर हैं, दे विल नॉट फेस नाइदर कंप्रेशन नॉर टेंशन. सो फाइबर्स, ठीक है, which does not experience, ठीक है, neither tension nor compression are on neutral axis. Getting my point, everyone? Are on neutral axis. So fibers on neutral axis does not face any compression or tension. Now, यहां पर मैं आपको एक बहुत बेसिक डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है. There are two terms associated with this. There are two terms associated with this, that is neutral plane and neutral axis. What is the difference between neutral plane and neutral axis? ये हम देखते हैं. Difference between neutral plane and neutral axis. ये देखते हैं. ठीक है, देखिए. What is neutral plane and neutral axis? देखो बहुत ध्यान से. देखिए बहुत ध्यान से देखो. ठीक है, लेट अस सपोज दिस प्लेन.
ये देखिए दिस प्लेन, ये देखो अभी से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, ये देखिए दिस इज द प्लेन। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, तो न्यूट्रल प्लेन इज द प्लेन, न्यूट्रल प्लेन इज द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल प्लेन, दिस इज द न्यूट्रल प्लेन। देखो बहुत ध्यान से, ये आपका क्या है, ये न्यूट्रल प्लेन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, देखो बहुत ध्यान से, इफ आई हैव टेकन दिस क्रॉस सेक्शन, इन दिस क्रॉस सेक्शन दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। सो एक न्यूट्रल एक्सिस, एक क्रॉस सेक्शन में एक न्यूट्रल एक्सिस, अगर आप क्या करोगे, एक और क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने, लेट अस सपोज एक और क्रॉस सेक्शन ले लिया, आई हैव टेकन वन मोर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो दिस इज, दिस इज समथिंग, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, यस और नो, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन, देखिए फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो अबव न्यूट्रल एक्सिस द फाइबर्स आर अंडर कंप्रेशन और टेंशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सो हेयर द फाइबर्स आर अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड बिलो दिस द फाइबर्स आर अंडर डिफरेंट कंडीशन, सो द फाइबर्स विच आर ऑन दिस लाइन डज नॉट एक्सपीरियंस आइदर कंप्रेशन नॉर टेंशन। सो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो देयर आर इनफाइनाइट न्यूट्रल एक्सिस, देयर आर इनफाइनाइट न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम, यू कैन कट इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन, देयर आर इनफाइनाइट न्यूट्रल एक्सिस, बट देयर इज वन न्यूट्रल प्लेन, वन न्यूट्रल प्लेन। बात समझ में आई आप लोगों को, सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस इज नथिंग बट अ न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन। ये समझ में आया आपको, तो ये एक सरफेस है, टू डायमेंशनल बॉडी है, न्यूट्रल एक्सिस एक वन डायमेंशनल बॉडी है, न्यूट्रल प्लेन बोल लीजिए, न्यूट्रल सरफेस बोल लीजिए, ठीक है। सो न्यूट्रल सरफेस डज नॉट एक्सपीरियंस एनी कंप्रेशन नॉर टेंशन, न्यूट्रल सरफेस डज नॉट एक्सपीरियंस, ठीक है, डज नॉट एक्सपीरियंस नाइदर टेंशन नॉर कंप्रेशन। सो न्यूट्रल सरफेस ठीक है, is the surface which experiences neither tension nor compression and what is neutral axis kya hai, it is the intersection of, this is neutral plane, neutral surface, ठीक है, और ये आपका क्या है, कोई cross section है, तो neutral axis क्या है, it is the intersection of neutral surface and cross section, तो neutral axis is, it is the intersection of cross section with neutral plane or neutral surface, let us suppose it is intersecting here, so this is the neutral axis, so neutral axis is the intersection of neutral plane or neutral surface with the cross section। इतना समझ में आया आप लोगों को, सो जहां न्यूट्रल एक्सिस और जहां क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका, वो क्या होगा, जहां पर क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे वो न्यूट्रल एक्सिस होगी, यस और नो जल्दी बताइए मुझे,
इतना समझ में आया भाई आप लोगों को आज की क्लास में? इतना समझ में आया? कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, टुमोरोज क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, विल डिराइव why we have drawn, learn to draw shear force diagram and bending moment diagram. So tomorrow's class is very important. So आज की क्लास में यही रखता हूँ, इतना ही रखता हूँ, ताकि पहला लेक्चर है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े इस लेक्चर का, ठीक है? So tomorrow we have very important class. So we'll derive some of the beautiful concept of bending stress, ठीक है? So आज की क्लास में यही रखता हूँ. Thank you so much guys for joining. We'll meet you tomorrow and with a very beautiful concept of bending stresses, ठीक है? चलो कल फिर मिलते हैं. Thank you so much guys. Thank you so much. Good night everyone here. Good night.